सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पद्मासन, अब देखो आपका वजन कितना होना चाहिए, सुनो ओ बच्चों, वजन कितना होना चाहिए, हाथ उठा सके उठाओ, इतना तो उठा सकते हो, नहीं लग पाया तो उठाइए, उठाओ उठाओ उठाओ, जो एक मिनट ये कर लेगा उसको कोई रोग नहीं होगा, करो तो कोशिश तो करो बेटा, एक मिनट में हाथ कांपने लगते हैं, एक मिनट करो करो, थोड़ा थोड़ा तो करो, उठाओ पट को, इतना तो करो स्वस्थ रहने के लिए, और फिर नहीं बने तो झूला झूले, चलिए अब जो है प्राणायाम करेंगे, चलो मुद्र लगाओ, सीधे बैठो, दोनों नथरों से गहरा सांस भरो, निकाल दो, श्वास तो चला ही नहीं, थोड़ा सा यत्न पूर्वक गहरी भल्लो निकाल लो, कौन पैसे लगना है इसमें, दमा अस्थमा ब्रोंका, हमारे फेफड़ों में 7,30,00,000 प्रकोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, जब हम गहरी सांस नहीं भरते तो मात्र 2,30,00,000 कोष्ठक ही एक्टिव होते हैं, 5,00,00,000 कोष्ठक इनएक्टिव रहते हैं, उन्हीं से रोगों की उत्पत्ति होती है, खासतौर से दमा अस्थमा धूल की, जब हम गहरी सांस भरते हैं तो सभी हमारे कोष्ठक एक्टिव हो जाते हैं, निरोगता आ जाती। अब एलर्जी है, किसी को आपने सुना होगा, किसी को धूप से है, किसी को धूल से है, अब धूल से बच के कहां जाओगे, धूप से बच के कहां जाओगे, ये प्राणायाम कर लो, एनर्जी का लेवल अप हो जाएगा, एलर्जी दूर हो जाएगी, ठीक। ये पहला प्राणायाम, इसका क्या नाम है, भस्त्रिका, क्या नाम, भस्त्रिका। अब अगला है कपाल, श्वास को फेंकना है, पेट में अंकुचन प्रसारण होगा और सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।